है वो अगेन इम्यूनिटी बेस्ड रेसिपी है। ये है बनाना पैनकेक विद दालचीनी एंड काली मिर्च। घर में देखिए ये पके हुए सड़े हुए जो हम फेंकने को चलते हैं केला, उसी से ये बनेगा। तो मेरे पास ये 3 केले थे, उसमें से ये बच बचा के निकले हैं। तो ये 3 पके हुए केले हैं। एक ये है बड़े कटोरी से आटा, ये है दूध, स्वीटनर के लिए ये मैंने गुड़ लिया है, ये है काली मिर्च और ये है दालचीनी। बोथ आर दिस इम्यूनिटी बूस्टर। तो चलिए सबसे पहले हम केले को मैश कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे दूध और आटे को मिक्स कर लेते हैं। देखिए मैंने भगोने में ले लिया है, अब मैं इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए मैंने केले को मैश कर लिया है हाथ से। अब हम इसमें ये आटा पूरा डाल देंगे, ये 2 बड़ा कप आटा है। अब ये जो हमारा दूध है हम इसको धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि ये जो हमको कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमें मिल जाए, गीला ना। पहले हम थोड़ा सा मिलाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और दूध ले सकते हैं, नहीं तो इसी में हो जाएगा। ये दूध मैं पूरा डाल देती हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूध और लगेगा। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखिए हमको ऐसे तेजी से बीच बीच में पूरा एकदम अच्छे से मिलाना है, मिक्स कर रहे हैं ऐसे हाथ में इसको लेना है ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। वो दूध हमारा पूरा यूज हो गया है, इसमें थोड़ा सा दूध अभी और जाएगा। थोड़ा करके डालिए, बढ़िया से फिटना होगा इसको। अब इसी स्टेज पे हमने जो ये गुड़ रखा हुआ है वो भी डाल देंगे। इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और ये हम थोड़ा सा दूध अभी और डालेंगे। अब मेरे को लगता है कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी। देखिए इसको अच्छे से इस तरीके से फेंटना है और गुड़ की अगर कहीं गांठ आ जाती है तो इसको आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं और अच्छे से इसको मिला लीजिए, बढ़िया से तेज़ी से हाथ से, मशीन में चला के, मिक्सी में चला के, कैसे भी, ताकि ये देखिए ये ऐसी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए जो कि अब ये पूरी परफेक्ट। ये देखिए अच्छे से ये तैयार हो गई है। अब मैं सबसे पहले हाथ धो लेती हूँ। थोड़ी सी ये देखिए काली मिर्च डाल देंगे और ये दालचीनी पिसी हुई है इसको भी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मेरे पास मखाना, काजू और बादाम का पाउडर है, उसको भी मैं ये डाल दे रही हूँ। तो ये टोटली इम्यूनिटी बेस्ड बनाना पैनकेक बनके रेडी। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, बढ़िया से कोई भी लाइन्स नहीं है, बढ़िया से। अब हम इस बैटर को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए हमारा ये 10 मिनट हो गया है, इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। इधर हम नॉन स्टिक पैन चढ़ा लेते हैं, इसको गरम होने देते हैं और घी की मोली हम देखिए हमने ये पूरा अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया। चलिए
जब हम बनाते हैं इम्यूनिटी बूस्टर वाला बनाना पैनकेक। हो गए हैं, देख लें पैनकेक का क्या कर रहे हैं। देखिए अब इसको बहुत ही अच्छा समय आया है, बच्चों को बड़ों को सबको दीजिए बना के। कोरोना में ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। तो हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए ताकि नीचे वाला सरफेस अच्छे से लाल। तो चलिए देख लेते हैं हाल है हमारे बनाना पैनकेक का। ये देखिए बहुत ही अच्छे से लाल हो गया है दोनों तरफ से। अब इसको थोड़ा सा हम खुले में पका लेंगे। तो चलिए हम इसको उतार लेंगे। एक और आपको बना के दिखाती हूँ, एक एक करके दिखाती हूँ। देखिए मेरे बनाना केक रेडी हो गए हैं इम्यूनिटी बूस्टर वाला। और लास्ट में हम एक फिर से इम्यूनिटी का टच देंगे इसमें, और ये है शहद। ये अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर का शहद। ये लीजिए हमारा तैयार हो गया बनाना पैनकेक इम्यूनिटी बूस्टर।